सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग दिन हम होली खेलते हैं, इसी क्रम में आज हमने यहां पर होली खेली है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। स्टूडेंट, मैं राजकुमार सवाल का आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। आज का टॉपिक मेरा बिल्कुल सरल है, सरल मीन सरल रेखा ही है। तो सरल रेखा के कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनको बहुत आसानी से कैसे सोल्व करना है। पहले हम लेट कर रहे थे, अभी तक बहुत सारे टॉपिक हमने लिए जिसमें लेट कर रहे थे, अब लेट करने का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक नई ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप लोगों को इसमें सिखाने वाला हूं। पॉइंट में मैंने बहुत ज्यादा ट्रिक इसलिए काम में नहीं ली क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग पहले फॉर्मूलों को, पॉइंट का बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, देन उसके बाद उसके फॉर्मूलों को अप्लाई करना हम सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहां पर अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से पहले पॉइंट के जो बेसिक फंडामेंटल है उनको जरूर देख लें आप लोग, क्लियर। अब यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये आप लोगों को समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, ये नींव है। किसी भी टॉपिक को अगर हमें सीखना है तो ये उसकी नींव है, क्लियर। तो नींव कभी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपको पूरी क्लास देखनी है, उसके बाद ही एसआर सैनी को हाथ लगाना है। जैसे मैंने 50 तक के क्वेश्चन करवा दिए तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो उनको आपको बीच बीच में नहीं रोकना वीडियो, आप पहले वो सारे क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने सारे मैं स्क्रीन पर लिख ही देता हूं, तो आपको उस टाइम तो बुक उठाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। फिर अब आप रिविजन स्टार्ट करिए जो मैंने करवाए हैं, प्लस जो क्वेश्चन छूट जाते हैं या छोड़ दिए मैंने जानबूझ के, सरल समझते सिंपल, उन क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना चाहिए। तो पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग एसआर सैनी के क्वेश्चन उठाएंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मेरी हर बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लिखी नहीं जाती है, उनको बोल के ही समझाया जा सकता है, क्लियर। तो अब मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। स्ट्रेट लाइन आज का जो टॉपिक है अपना, सरल रेखा। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए हैं सारे, क्या है देखो, सबसे पहले कि अक्षों के समीकरण की बात करते हैं। काफी डिटेल में समझना है, बिल्कुल आराम से समझना है, बेसिक बिल्कुल अच्छे से समझ लो आप लोग, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे के क्वेश्चन किस तरीके की, क्लियर। यानी नींव को बिल्कुल पक्का करना है। देखो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि अच्छा बताओ ये 10 है क्या, ये पॉइंट 10 क्या है, तो हाँ सर 10 ही है, ये 20 है, इधर 30 हो जाएगा, क्लियर। और अगर ये 1 है, ये 2 है, तो इसको मैं 02, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 01 ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स एक्स पर एक बात नोटिस करो आप लोग, एक्स एक्स पर जितने भी बिंदु हैं उसमें वाई निर्देशांक 0 है, क्लियर। तो पहला ही टॉपिक है अपने अक्षों के समीकरण और अक्षों के समानांतर रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्स का समीकरण क्या होगा, तो आप लोग एक्स एक्स में एक्स निर्देशांक तो वेरिएट होता है, चेंज होता है, लेकिन वाई निर्देशांक हमेशा 0 रहता है। अगर वाई निर्देशांक 0 रहता है तो फिर यहां पर एक्स एक्स का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर 0 होगा, क्लियर। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला ही फॉर्मूला क्या है, एक्स एक्स का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर 0। ऐसे आप लोग वाई एक्सिस को नोटिस करो, वहां पर आपको एक्स एक्सिस एक्स निर्देशांक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बराबर 0 हो जाएगी। देन अब पर्टिकुलर किसी पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे कि ये 01 है, ये 10 है, ये 02 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 12 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके, 23 हो जाएगा, क्लियर। अगर इन सभी पॉइंट को मैं मिला देता हूं तो एक एक्स एक्स के समानांतर रेखा आती है, एक्स एक्स के समानांतर रेखा आ रही ना। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताओ, इन सभी बिंदुओं की कोई खास बात है क्या, तो बिल्कुल है। और वो खास बात कौन सी है कि यहां पर वाई निर्देशांक क्या है, 2 है, वाई निर्देशांक हमेशा ही क्या हो रहा है इसमें, 32 वाई निर्देशांक हमेशा ही क्या है, यहां पर 2 है। तो फिर इस रेखा का समीकरण वाई बराबर 2 कह दो ना। तो मैं यही तो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक बिंदु है AB, एक बिंदु है AB, AB से जाने वाली, ये AB बिंदु है, AB से जाने वाली और अक्षों के समानांतर रेखा अगर आपको लिखनी है, सबसे पहले एक्स एक्स के समानांतर रेखा अगर चाहिए ना, तो एक्स एक्स के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर बी,
और वाई एक्स के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर ए। ये काफी सिंपल फॉर्मूले हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी डिलाई नहीं बरतनी है। काफी सिंपल है तो है, शुरुआत तो जीरो से होती है ना। एक्स एक्स की इक्वेशन वाई बराबर जीरो, वाई एक्स की इक्वेशन एक्स बराबर जीरो, ए बी पॉइंट से पास होने वाली लाइन में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई बराबर जीरो, और वाई एक्स के समानांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर बी। क्लियर, एक्स बराबर ए। अब मैं आ जाता हूं कि एक रेखा का ढाल क्या होता है। एक सरल रेखा है, उसके ढाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सरल रेखा का ढाल आपको निकालना है, तो ढाल क्या है ये बात आप लोग समझ लो। देखो ये दोनों x हो गए और एक ये रेखा है इस तरीके से। तो ढाल, अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि बताओ ये रेखा कितना कोण बना रही है, तो कितना कोण बना रही है, तो आप लोगों को कोण बताना है, तो आप लोगों के पास ऑब्जेक्शन आ गए, कुछ ऑब्जेक्शन आ गई, सर कहां से कोण बताएं, इधर वाला बताएं कि y एक्सिस से बताएं कि माइनस x एक्सिस से बताएं कि नीचे से बताएं। क्लियर, तो फिर ढाल क्या होता है कि एक निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसे तो बार बार कंफ्यूजन रहेगा, तो ढाल को एक बाउंड किया गया है कि जब भी आपको ढाल बताना हो तो आप लोग क्या करोगे, उस रेखा का इस धनात्मक x x की दिशा से कोण नाप लो। ये तो हो जाता है झुकाव कोण, इसको तो क्या कहते हैं, थीटा को तो क्या कहते हैं, झुकाव कोण कहते हैं। और ढाल क्या होता है, ये जो झुकाव कोण आता है ना, इस पर अगर आप टेन थीटा अप्लाई कर देते हो तो इसको हम कह देते हैं ढाल कह देते हैं। यानी किसी भी रेखा द्वारा, किसी भी रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, ये धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, अपने थीटा होगा। और थीटा पर जब हम टेन अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, आपके ढाल बन जाएगा। एक रेखा जो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाती है उसके टेन का मान ढाल होगा, और जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि बताओ थीटा बराबर 45 है तो बताओ ढाल कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर टेन 45 यानी 1 हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। क्लियर, अब मैं सरल रेखाओं के समीकरणों की बात कर लेता हूँ। सरल रेखा के कितने रूप होते हैं, तो फेमस तो 5 है, एक नया भी है। देखो आपको 11 12th की बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर, एकमात्र बुक जो 2006 में चलती थी वो मुझे पढ़ानी है। जो आप यहाँ पर सिलेबस में डायनेमिक्स और स्टेटिक्स का पार्ट देख रहे हो, बिल्कुल भी ग्रेजुएशन का नहीं है 1% भी। पूरी की पूरी एक बुक जिसमें उसका 50% पार्ट आपके स्टेटिक्स प्लस डायनेमिक्स आपको जो दिखाई दे रहा ना, ये पूरा का पूरा ही उसमें सदिश और यांत्रिकी करके एक बुक चलती थी, उससे पढ़ाया गया है। तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ उस बुक की PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर सरल रेखा के ढाल की, सरल रेखा के समीकरण के रूपों की बात कर रहा था। तो सबसे पहले ढाल रूप, यदि ये तो हो गया एक्स एक्स और ये हो गया वाई एक्स, एक रेखा है ये L, क्लियर, इस रेखा का आपको कोण दे रखा है और ये Y अंतःखंड दे रखा है। क्लियर, तो एक रेखा जिसका ढाल M हो और Y अंतःखंड C हो, तो उसका समीकरण हो जाएगा Y बराबर MX प्लस C, Y बराबर MX प्लस C। M होना चाहिए और Y अंतःखंड होना चाहिए, X अंतःखंड के लिए फॉर्मूला नहीं है, Y अंतःखंड के लिए फॉर्मूला है। क्लियर, एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एक सरल रेखा जो एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, एक सरल रेखा जो एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और वाई अंतःखंड 2 इकाई का है, ये कोण तो हो गया आपके 60 डिग्री का, और ये जो अंतःखंड है वो कितना हो जाएगा, आपके 2 इकाई का हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर आपके एम का मान तो कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, इट मीन्स अंडर रूट 3 हो जाएगा, और C का मान कितना हो जाएगा, आपके 2 हो जाएगा। तो Y बराबर एम एक्स प्लस C, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कई सारे मेथड से मैं आप लोगों को करवाऊंगा डेफिनेटली। इसी क्वेश्चन को मैं 2 मेथड और से करवा सकता हूं, लेकिन फिलहाल नहीं, देखा जाएगा आगे। क्लियर, अब मैं आ जाता हूं, देखो सेकेंड फॉर्मेट। पहला रूप क्या है, अंतःखंड रूप, वाई बराबर एम एक्स प्लस C। दूसरा, सॉरी, ढाल रूप। दूसरा रूप है अंतःखंड, इंटरसेप्ट फॉर्म,
इसमें क्या होता है, एक रेखा यदि दोनों अक्षों को काटती हुई जा रही है, एक रेखा यदि दोनों अक्षों को काटती हुई जा रही है, दोनों अक्षों को काटती हुई जा रही है और उसने एक्स एक्स पर तो काटा ए अंतखंड और वाई एक्स पर काटा उसने बी अंतखंड, तो उसका समीकरण इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। एक रेखा द्वारा एक्स तथा वाई एक्स पर काटे गए अंतखंड क्रम से ए कोमा बी हो। ये देखो ना, ये रेखा एक्स एक्स पर ए अंतखंड और वाई एक्स पर कितना अंतखंड काट रही है, बी, तो इसका समीकरण क्या होगा, एक्स अपोन एक्स एक्स का अंतखंड, वाई अपोन वाई एक्स का अंतखंड और बराबर में एक। ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अब मैं आ जाता हूं बिंदु ढाल रूप में। अच्छा एक बात बताओ, आगे बाद में बढ़ेंगे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि बताओ ये बिंदु क्या है, तो आप बता दोगे कि सर ये बिंदु ए जीरो है और ये बिंदु क्या है, जीरो कोमा बी है, दो बिंदु भी तो बता सकते हो, क्लियर। देखते हैं बिंदु ढाल रूप, ये तो क्या है, ढाल के साथ जब सी दे रखा हो, ये क्या है आपको दो अंतखंड दे रखे हो, अब एक बिंदु और एक ढाल दे रखा हो, ढाल के साथ वाई अंतखंड नहीं, ढाल के साथ आपको बिंदु दे रखा हो, तो बिंदु ढाल रूप, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन एम, एम कहां से, टेन थीटा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर द्विबिंदु रूप, द्विबिंदु रूप में अगर एक रेखा जो दो बिंदु एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू से पास होती है तो उसका समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन एम, ये एम है एक्स माइनस एक्स वन, यानी ये M की पोजीशन ही तो है, तो जब भी आपको दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल निकालना हो आपको क्या करना है, वाई टू माइनस वाई वन बटे वा एक्स टू माइनस एक्स वन, नोट लगा कर लिख लेना, ये भी फॉर्मूला ही है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन बटे वा एक्स टू माइनस एक्स वन, क्लियर। ये कब काम में लोगे, जब दो बिंदु दे रखे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब अंतखंड दे रखे हो तब भी तो दो बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं, तो देखो ना यहां से भी कर सकते हो, क्लियर होंगे, जब देखा जाएगा। लंब रूप में आ जाओ आप, तो लंब रूप क्या है, देखो रेखा तो है ये एल वाली रेखा, इसका समीकरण, लेकिन इसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है, जो ये ओपी लाइन है ना, ये ओ से शुरू हो रही है और पी पर एंड हो रही है, इसका है देखो क्या है, एक रेखा जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, एक रेखा जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तथा ये लंब रेखा जो है ना OP, इसका X एक्स के साथ कोण कितना है, अल्फा है, यानी L रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो है P, और वो जो OP लंब है ना, वो X एक्स के साथ अगर अल्फा कोण बनाए तो इस L रेखा का समीकरण होगा X cos अल्फा प्लस Y sin अल्फा बराबर पी, क्लियर। और पी हमेशा पॉजिटिव ही रखना, क्योंकि पी क्या है, लंब की लंबाई है, क्लियर। पी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। एक ये प्राचलिक रूप है, और ये प्राचलिक रूप कब काम में आएगा, देखो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है प्राचलिक रूप वाला, ये फॉर्मूला एक यूनिक है, और इसको समझने का प्रयास करो कि इसका उद्देश्य क्या है, कि अगर मान लो आप लोगों को ये कहा जाए कि वन जीरो है और ये टू जीरो है, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एक बिंदु ये है और इससे एक इकाई की दूरी पर दूसरा बिंदु क्या होगा, तो आप फटाफट ही बता दोगे कि सर टू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा ही बिंदु था। अब अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि ये रेखा है एक वाई बराबर एक्स और इस पर एक पॉइंट है वन वन, पॉइंट क्या है इस पर वन वन, अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस वन वन से एक इकाई दूरी पर एक और बिंदु बताओ, एक इकाई दूरी पर, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर टू टू, तो आप गलत हो, क्यों, क्योंकि जब आप दूरी निकालोगे तो वो तो अंडर रूट टू आएगी, ये दूरी इन दोनों के बीच में कितनी है, अंडर रूट टू, तो यहां पर ये फॉर्मूला अपने यही तो हेल्प करेगा कि एक रेखा जिसका समीकरण हमें दे रखा होगा, क्लियर, y बराबर एम एक्स, तो अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि बताओ इस रेखा का ढाल कितना है, तो एक है, और झुकाव कोण कितना है, अच्छा एक कैसे पता चला, y बराबर एम एक्स, एक्स का गुणांक क्या है m, तो m बराबर वन वन,
और एम बराबर वन हुआ तो टेन थीटा बराबर वन हुआ, तो थीटा बराबर 45 हुआ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि वाई बराबर एम एक्स का झुकाव कोण कितना है, इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, थीटा बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, इस रेखा पर एक पॉइंट 1 1 है, तो इससे 1 इकाई की दूरी पर अगर आपको पॉइंट निकालना है तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। क्लियर? कि यदि एक रेखा जो थीटा कोण पर झुकी हुई है, जैसा कि ये रेखा कितने कोण पर झुकी हुई, 45 डिग्री, एक रेखा जो थीटा कोण पर झुकी हुई है पर एक बिंदु है x1 y1, ये बिंदु हमें दे रखा है, इस बिंदु से r इकाई की दूरी पर मुझे q बिंदु निकालना है, तो q बिंदु कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, इससे देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा और y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा और बराबर में r, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा और बराबर में r। अब आपको एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई कैसे निकालोगे, ये कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो r कोस थीटा, और ये x1 भी उधर जाएगा तो x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। ये माइनस कहां से आ गया, तो भाई r दूरी इधर हो सकती है तो नीचे भी तो हो सकते हैं ना, इसलिए माइनस भी लगाना चाहिए। तो जब फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्लियर? देखो फॉर्मूले तभी बहुत अच्छे से याद होते हैं जब उनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसके अलावा फॉर्मूले को याद करने का बहुत आसान तरीका नहीं है। रटना एक लिमिट तक पॉसिबल है, याद होने के बाद भी भूलने के चांसेस पूरे पूरे बने रहते हैं अगर हमने बार बार अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई करना नेसेसरी है। आगे बढ़ते हैं, देखो तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, तो ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पॉइंट, उसमें मैंने आप लोगों के एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया था। अगर तीन बिंदु दे रखे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते थे ना, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर? मैंने वहां पर भी आप लोगों को लिखाया था कि अगर तीन शीर्ष आपको दे रखे हैं और तीनों शीर्ष से जाने वाले त्रिभुज का, अगर तीनों बिंदु आपके संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। एक कॉन्सेप्ट तो वो था, एक कॉन्सेप्ट और है। क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो तीन बिंदु दे रखे हों और तीनों ही क्या हों, संरेख हों, तो संरेख होने की जांच कैसे करोगे, अच्छा ए बी का डाल निकाल लो और बी सी का डाल निकाल लो, दोनों समानांतर रेखाएं और समानांतर रेखाओं के डाल बराबर होते हैं। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट है कि ए बी का डाल निकाल लो और बाकी बी सी का निकाल लो या फिर ए सी का निकाल लो, किसी के एक का निकाल लो, ए बी बी सी, ए बी ए सी, किसी के दो का निकाल लो, अगर दोनों के डाल बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या हो जाएगी, अपने समानांतर हो जाएगी। क्लियर? या फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जीरो बता दो तो भी प्रूव हो जाएगा। तो ये पुराना मैटर था, ये नया कॉन्सेप्ट हो गया। अब दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना है, ये दो रेखाएं हैं इनके बीच कोण निकालना है। तो स्टूडेंट यहां पर कोण दो तरीके के हो सकते हैं, देखो ये दो रेखाएं इनके बीच में कोण निकालना है, तो एक कोण तो ये दिखाई दे रहा है न्यून कोण, एक कोण ये अधिक कोण दिखाई दे रहा है। अगर मान लो ये 45 है, कोई 45 भी बता सकता है मुझे, तो कोई मुझे 135 भी बता सकता है, और दोनों ही राइट आंसर है। क्लियर? तो यहां पर जो टॉपिक मैं ले रहा हूं इसमें दो रेखाओं के बीच में मुझे कोण निकालना है, दो रेखाएं आपको दे रखी है L1 L2, ध्यान रहे इनको ढाल रूप में लिख लेना, y बराबर m1x plus c1 और y बराबर m2x plus c2। ढाल रूप में क्यों लिख रहे हैं, तो ढाल रूप में लिखने के पीछे वजह यह है कि मैं जिन दो रेखाओं के बीच में कोण निकालने, जिन दो रेखाओं के बीच में मुझे कोण निकालना है, दोनों के मुझे क्या चाहिए होंगे, ढाल चाहिए होंगे। तो इसका ढाल तो हो गया m1 और इसका ढाल क्या हो गया आपके m2 हो गया, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका फॉर्मूला होगा। क्लियर? अब देखो अगर L1 और L2 समानांतर हुई, वेरी इंपॉर्टेंट केस बोल रहा हूं, अगर दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं अगर समानांतर हुई, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये L1 और L2 दोनों समानांतर रेखाएं, अगर समानांतर हुई तो दोनों के बीच में थीटा तो जीरो हो गया ना, और थीटा बराबर जीरो रखोगे तो टेन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये तो इससे गुणा होकर जीरो हो जाएगा, तो फिर जीरो बराबर M2 माइनस M1, तो M1 बराबर M2 आ गया ना। क्लियर? तो देखो ना, जब दो रेखाएं समानांतर होगी तो M1 और M2 बराबर होते हैं। क्लियर? यानी जब भी आप लोगों को ये बताना कि एक रेखा का डाल अगर मान लो तीन है तो बताओ इसके समानांतर रेखा पैरेलल लाइन उसका डाल कितना होगा, उसका भी तीन ही होगा। क्लियर?
अगर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो थीटा पे, थीटा कितना हो जाएगा 90, तो टेन 90 कितना होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को आप 1/0 लिखकर सोल्व करते हो, 1/0, तो 0 से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1+m1m2=0, यानी m1 m2 बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्लियर। तो ये l1 है और ये l2 है, दोनों ही लंबवत रेखाएं हैं, इसका डाल m1 है और इसका डाल क्या है m2 है, तो m1 m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है। अच्छा, नॉर्मली अगर आप हमें एक बिंदु दे रखा हो और एक्स एक्स के साथ अगर कोण दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला होता है y-y1 mx-x1, और ये कोण जो दे रखा होता है वो एक्स एक्स के साथ होता है ना, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर मान लो मुझे इस प्रकार पूछ लिया जाए, एक रेखा का समीकरण निकालो जो x1 y1 से जाती है तथा वह एक रेखा y=mx+c से अल्फा कोण बनाती है, एक्स एक्स से नहीं, y=mx+c से कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यानी ये तो है y=mx+c रेखा, क्लियर, और मुझे इस रेखा का समीकरण चाहिए, इस रेखा का समीकरण जो x1 y1 कोण x1 y1 बिंदु से जाती है और इस y=mx+c के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा, इसका फॉर्मूला होगा y-y1 और m-tan alpha / 1+m tan alpha और x-x1, क्लियर, और प्लस माइनस लगा लेना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूँ कि बताओ ये एक लाइन है, इससे 45 डिग्री पर झुकी हुई एक लाइन निकालो, तो डेफिनेटली ये भी हो सकती है, डेफिनेटली ये भी हो सकती है, क्लियर। इसलिए दो दो फॉर्मूले आप लोगों के सामने आए हैं, तो फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सीख लें। एक शॉर्ट ट्रिक की मैं बात कर लेता हूँ जिसको मैं काफ़ी काम में लूँगा, कि एक रेखा आपको दे रखी है ax+by+c=0, एक लाइन हमें दे रखी है, क्लियर, और मुझे इसके समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो वैसे तो आप लोगों को समानांतर रेखा का समीकरण निकालना तो इसका डाल निकालना चाहिए, और फिर इसका डाल आएगा तो फिर हम कहेंगे कि देखो भाई जो दी गई रेखा है और जो निकालने वाली रेखा है वो समानांतर है, तो फिर दोनों के डाल बराबर होंगे, फिर उसका डाल भी आ जाएगा, क्लियर। लेकिन मैं इसमें ये चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा इसको इजी करें, कैसे, एक लाइन ax+by+c=0 है, क्लियर, इसके समानांतर रेखा का समीकरण लिखना ना, आपको केवल क्या करना है, ax और by वाला पार्ट तो वही रखो, और ये कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ना ये आपके हो जाएगा k, केवल कांस्टेंट बदलता है, यानी समानांतर रेखाओं में केवल अचर पद का ही अंतर होता है, एक्स वाई के गुणांक सेम होते हैं, क्लियर। और अगर आपको ax+by+c=0 के लंबवत रेखा निकालनी हो, क्लियर, तो लंबवत रेखा अगर निकालनी हो तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, आपको क्या करना चाहिए शॉर्ट में निपटाने के लिए, दोनों के गुणांकों को इंटरचेंज कर दो, तो ये b तो x के साथ गुणा हो जाएगा और a जो है वो y के साथ गुणा हो जाएगा, तो bx और ay हो जाएगा। अब यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर में क्या आएगा, क्या आएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट ये L1 रेखा दी हुई थी और L2 रेखा का समीकरण हमने निकाल लिया। अब ये दोनों में जो k आ रहे हैं ये ऐसे ही रहेंगे क्या, नहीं, इनके भी मान निकाले जाएंगे, इनके मान फटाफट ही निकाल लेंगे, या तो हमें बिंदु दिया होगा कि जो हम रेखा लंबवत रेखा निकालना चाहते हैं वो एक बिंदु से जाती है, तो बिंदु से जाती है तो बिंदु संतुष्ट करेगा, क्लियर। तो नोट लिखा मैंने, k का मान फाइंड करने के लिए कोई पॉइंट या कंडीशन से फाइंड करेंगे, वो पॉइंट दे रखा होगा तो पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे, क्लियर। अब यहां पर आ जाओ आप लोग, कि L1 व L2 के दो रेखाएं दे रखी है और उनके प्रतिच्छेद से जाने वाली रेखा का समीकरण मुझे निकालना है। जैसे ये लाइन है L1 और ये लाइन है आपके L2, और हमें एक रेखा का समीकरण निकालना है, ये L रेखा है, क्लियर, ये कौन सी रेखा है, L रेखा है, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, L1+λ L2=0 हो जाएगा। अब लेमडा का मान कहाँ से लाओगे, तो इसके लिए भी आपको कोई ना कोई कंडीशन दे ही रखी होगी, डेफिनेटली, क्लियर। तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, L1+λ L2, और ये फॉर्मूला हर रूप में व्यापक है। कैसे, जब मैं आप लोगों को ये लिखाऊंगा कि दो वृत्त से जाने वाले तीसरे वृत्त का समीकरण क्या होगा, या दो गोले से जाने वाले S1 और S2 दो गोले हैं, इनसे इनके कटान से जाने वाला तीसरे गोले का समीकरण क्या होगा, तो S1+λ S2 बताऊंगा।
दो प्लेन है P1 और P2, इनके प्रतिच्छेद से जाने वाले हैं, तीसरे प्लेन की समीकरण क्या होगी, तो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। तो ये फॉर्मूला अपने आप में यूनिक है, बार बार इसी रूप में काम में आता रहेगा। क्लियर। लंब की लंबाई कि पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे रखा है आपको, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट से आपको इस रेखा पर डाले गए लंब, इसकी लंबाई निकालनी है, जिसको मैं पी नाम दे रहा हूं, परपेंडिकुलर लेंथ। तो पॉइंट x1 y1 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी, तो आपको कुछ नहीं करना, ये x1 और y1 जो है इनको यहां पर पुट कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल में 0। क्लियर। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b². क्लियर। अब आगे आ जाओ, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, ये तो एक पॉइंट से हम दूरी निकाल लेते हैं। क्लियर। अब दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो अगर दोनों पर पैरेलल लाइन ये दे रखी है, ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2, क्योंकि पैरेलल लाइन में ये x और y के गुणांक तो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, नहीं है तो भी बराबर करने चाहिए आपको, कि इसमें तो दे रखा x प्लस y प्लस 5, इसमें दे रखा 2x प्लस 2y और इक्वल में 6, तो पहले दो का भाग दे देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। यानी x y के गुणांक पहले सेम होने चाहिए, उसके बाद अगर समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, c1 माइनस c2 अपॉन में रूट ऑफ a² प्लस b² है। इसका एक फॉर्मूला और है कि इस रेखा पर कोई एक बिंदु मान लो, एक बिंदु हम निकाल ही सकते हैं ना, x का मान रखो तो y का मान आ जाएगा। क्लियर। और फिर इससे लंब दूरी भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ता हूं कि दो रेखाओं के बीच अर्धकों का समीकरण निकालना हो, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, क्लियर, और अब इनके बीचों बीच जाने वाली लाइन निकालनी हो, या तो ये हो सकती है बीचों बीच वाली लाइन, ये दो लाइनें हैं, इसके अर्धक का समीकरण निकालना है, या तो ये हो सकता है अर्धक, क्लियर, या फिर ये हो सकता है, तो दो अर्धक हो सकते हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना, ये भी तो अर्धक ही है और ये भी क्या है, अर्धक ही है। तो इसका अगर मुझे समीकरण निकालना है, तो L1 और L2 लाइन आपको दे रखी है, और अगर आपको अर्धकों के समीकरण निकालने हैं, अर्धक, तो अर्धकों के समीकरण ऐसे निकलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस माइनस a2x b2y c2 अपॉन अंडर रूट a2² प्लस a2² प्लस b2², ये a1² b1² और a2² b2² क्लियर। अब यहां पर आप लोग ध्यान से समझें कि कुछ कॉन्सेप्ट क्या है। सर्वप्रथम दोनों के कॉन्स्टेंट पॉजिटिव बनाने हैं, दोनों के कॉन्स्टेंट पॉजिटिव बनाने के बाद तीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन दो बार पूछा गया है कि मूल बिंदु किसमें है, वो अर्धक बताओ, या अधिक कोण वाला अर्धक बताओ, न्यून कोण वाला अर्धक बताओ, ये हमें बताना है। अधिक कोण कैसे, जैसे ये दो लाइनें हैं, तो ये न्यून कोण है तो न्यून कोण का अर्धक ही है, ये अधिक कोण है तो ये अधिक कोण का अर्धक ही है। क्लियर। तो यही तो है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि दोनों के कॉन्स्टेंट पॉजिटिव बनाने हैं, उसके बाद इन तीन पॉइंट पर आप लोग नजर डालो कि ये तीन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये, इन तीनों पॉइंट के हेल्प से क्या करेंगे, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 हो तो, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव साइन लेने पर अधिक कोण का अर्धक आएगा और नेगेटिव साइन लेने पर न्यून कोण का अर्धक आएगा। क्लियर। अगेन, यदि हमने दोनों कॉन्स्टेंट पॉजिटिव बना रखे हैं और फिर चेक किया वापस a1 a2 प्लस b1 b2 वो लेस देन 0 आया, अगर नेगेटिव आता है तो फिर पॉजिटिव लेने पर न्यून कोण का अर्धक और नेगेटिव लेने पर अधिक कोण का अर्धक आएगा। क्लियर। और एक पॉइंट ये है कि अगर हमने कॉन्स्टेंट पॉजिटिव बना रखे हैं और अगर आपको वह अर्धक का समीकरण चाहिए जिसमें मूल बिंदु स्थित हो, तो उसके लिए आपको प्लस लेकर सोल्व करना है, प्लस लेने पर वह अर्धक आता है जिसमें मूल बिंदु स्थित होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, मोड एक्स प्लस मोड वाई प्लस सी बराबर 0, इससे बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मोड हटेगा तो प्लस माइनस, यहां पर भी प्लस माइनस आएगा, तो चार समीकरणें जनरेट होगी, कैसे, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, चार समीकरणें जनरेट होगी। अब वो चारों ही समीकरणों में क्या होगा, एक चतुर्भुज बनेगा, और उस चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो
लॉन्ग मेथड तो बहुत लंबा हो जाता है, जिसमें आप लोगों को कटान बिंदु निकालकर दूरी सूत्र लगाकर फिर करना पड़ेगा। इसमें आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, टू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, बस हो गया काम। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, टू सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, क्लियर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती है ना, तो वाई इक्वल में एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल में एम वन एक्स प्लस सी टू, दो समांतर रेखाएं तो ये और दो समानांतर रेखाएं, तो चार समान दो दो समांतर रेखाएं कटेगी तो चतुर्भुज बनेगा, और उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, सी वन माइनस सी टू इंटू डी वन माइनस डी टू अपॉन में एम वन माइनस एम टू, ये इसका फॉर्मूला। क्लियर, एक फॉर्मूला और बच गया है, उसके बाद यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल पर, तो आप लोग एक बार इसका अच्छा सा एक फुल अच्छी क्वालिटी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद एक फॉर्मूला लिख कर मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाला हूँ। अब स्टूडेंट यहां पर एक टॉपिक, एक फॉर्मूला और मैं डिस्कस करूंगा, क्या है देखो, सम द्विघात समीकरण, कि अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, एक एक अलग अलग समीकरण दे रखी हो तब तो हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए, लेकिन दो समीकरण थी सरल रेखाएं थी जिनको गुणा करवा कर अगर मान लो हमें दे दिया, संयुक्त रूप से दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यदि ये है समीकरण जीरो जीरो से जाने वाली रेखा युग्म को निरूपित करता है, क्लियर। अब यहां पर ढाल अगर निकालने हो कि वो दोनों रेखाएं जो थी उनके ढाल कैसे निकालेंगे, तो इनके ढाल अगर m1 m2 मान लूं तो m1 प्लस m2 क्या होगा, माइनस टू एच अपॉन में b, माइनस टू एच अपॉन b होगा, क्लियर। और m1 इंटू m2 क्या होगा आपके, a अपॉन b होगा, a अपॉन b, क्लियर। इन रेखाओं के बीच में अगर आपको कोण निकालना तो टेन थीटा का सूत्र होगा आपके टू अंडर रूट एच स्क्वायर नॉट टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, क्लियर। और इन रेखाओं के बीच में, इन रेखाओं के मध्य अर्धकों का संयुक्त समीकरण चाहिए, जैसे ये समीकरण एल वन और एल टू का संयुक्त समीकरण दे रखा है, और ये दोनों जो डोटेड लाइन है ना, इनका अगर मुझे संयुक्त समीकरण चाहिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और बराबर में एक्स वाई अपॉन में एच, क्लियर। अच्छे से इन फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इसके सोल्ड एग्जाम्पल्स। अब स्टूडेंट शुरू करता हूं मैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी अगर मान लो अपने पास कोई शॉर्ट ट्रिक है उससे भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पर नहीं आने का प्रयास करूंगा क्योंकि बेसिक भी हमें बहुत अच्छे करने हैं, क्लियर। हालांकि रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। देखो क्या है, माइनस ए जीरो पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण जो अक्षों के साथ टी क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है, माइनस ए जीरो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो, देखो ये तो हम मान लेते हैं ये वाई एक्स हो गया, ये हो गया आपके एक्स एक्स, क्लियर। माइनस ए जीरो पॉइंट, ये माइनस का ए जीरो पॉइंट, माइनस ए जीरो पॉइंट से जाने वाली रेखा जो अक्षों के साथ टी क्षेत्रफल का क्या बनाती है, त्रिभुज बनाती है, क्लियर। यानी यह रेखा जो हम निकालना चाहते हैं वो इस बिंदु से जाती है, और एक और गुण है कि जो अक्षों के साथ क्षेत्रफल बनेगा वो कितना है, तो टी इकाई का है, तो मुझे इस रेखा का समीकरण चाहिए। कैसे आएगा देखो, एक काम तो ये करो, जो भी आंसर आएगा इसको संतुष्ट करेगा ना, तो माइनस ए जीरो को संतुष्ट करने वाले में कौन कौन आएंगे, तो माइनस ए जीरो को संतुष्ट कर रहा है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, क्लियर। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको इस क्वेश्चन को उल्टा करना चाहिए, कैसे, कि ए और बी ऑप्शन जो अक्षों के साथ त्रिभुज बना रहे उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं ना,
अगर वो क्षेत्रफल टी आ जाता तो फिर वही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो मैंने सी को तो रिजेक्ट कर ही दिया क्योंकि ये तो इस बिंदु को संतुष्ट कर ही नहीं रहा, तो ये वाला तो आंसर होने से रहा। ए और बी माइनस ए जीरो को संतुष्ट करने वाली समीकरण है, एक्स की जगह माइनस ए और वाई की जगह जीरो रखोगे तो माइनस टू एटी प्लस टू एटी जीरो हो जाएगा, माइनस टू एटी प्लस टू एटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए बी में से ऑप्शन होना है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ए और बी कौन सा ऑप्शन टी इकाई का क्षेत्रफल बना रहा है। तो ए ऑप्शन को अगर आप जांच, ए ऑप्शन की अगर आप जांच करना चाहते हो तो इसको अंतःखंड रूप में बदल दो ना। ए ऑप्शन की जांच करने के लिए आप इसको ऐसे लिख दो, टू टी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस में टू एटी। अगर माइनस टू एटी से डिवाइड करवाते हो तो एक्स अपॉन माइनस ए और ये आ जाएगा आपके ए वाई अपॉन में माइनस टू टी और बराबर में वन, क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स अपॉन माइनस ए और प्लस वाई अपॉन माइनस का टू टी अपॉन में ए बराबर में वन, क्लियर। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो क्षेत्रफल मतलब एक्स अंतःखंड तो कितना आ गया, माइनस ए आ गया। एक डायग्राम में और बना रहा हूं, एक्स अंतःखंड तो कितना आ गया माइनस ए और वाई अंतःखंड कितना आ गया इसका माइनस का टू टी अपॉन ए, माइनस का टू टी अपॉन में ए। ये एक्स अंतःखंड और ये वाई अंतःखंड आ गया। अंतःखंड रूप में बदलने के बाद अगर बराबर में वन लिख दिया आपने तो एक्स के नीचे जो लिखा वो एक्स अंतःखंड और वाई के जो नीचे लिखा वो वाई अंतःखंड। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समकोण त्रिभुज है तो एक बटे वा दो आधार इंटू ऊंचाई वन बाई टू बेस इंटू हाइट से ही निकल जाएगा, क्लियर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो यह आएगा वन बाई टू माइनस ए और माइनस का टू टी अपॉन में ए। आंसर आ गया आपके टी ओनली। तो पहला ऑप्शन राइट हो गया ना देखो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जो इस बिंदु को भी संतुष्ट कर रहा है और जब मैंने उससे एक त्रिभुज बनाया अक्षों के साथ तो उसका क्षेत्रफल भी कितना आ रहा है, टी आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, दूसरा, सॉरी पहला। दूसरे ऑप्शन की जब आप जांच करोगे तो यहां पर माइनस टी आंसर आएगा, क्लियर। अब ये ऑब्जेक्शन मत करना कि सर क्षेत्रफल तो प्लस का ही लेते ना, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, क्लियर। तो टी है ना, तो ये ए ऑप्शन टी आंसर देगा और बी ऑप्शन माइनस टी आंसर देगा, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एल एम एन ये तीन तीन रेखाएं दे रखी और ये संगामी अगर है तो कौन सी कंडीशन इसकी ट्रू होगी। अच्छा, संगामी रेखाओं के लिए प्रतिबंध जो मैंने नहीं लिखाया था उसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन का गुणांक वाई वन का गुणांक कॉन्स्टेंट, एक्स टू का गुणांक वाई टू का गुणांक कॉन्स्टेंट, ऐसे हम लिखते हैं, क्लियर। अगर ये रेखाएं संगामी होगी तो क्या होगा, एल एम एन, एल एम एन, फिर एम एन एल, फिर एन एल एम, बराबर क्या होगा आपके, जीरो होगा। अब अगर आप इसको खोलते हो तो ये आ जाएगा एल एम एन माइनस एल स्क्वायर माइनस में एम, एम स्क्वायर माइनस एल एन और प्लस एन एल एम माइनस एन स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये आ जाएगा आपके थ्री एल एम एन माइनस एल क्यूब माइनस एम क्यूब माइनस एन क्यूब बराबर जीरो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन बराबर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के गुणनखंड क्या होते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे एल प्लस एम प्लस एन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस में एल एम माइनस एम एन और माइनस एन एल बराबर जीरो। दो गुणनखंड जीरो के बराबर होंगे, तो पहला वाला गुणनखंड जैसे ही आप जीरो के बराबर रखोगे यही आंसर हो गया, ये आंसर आ गया भैया। तो पहला गुणनखंड होगा या दूसरा गुणनखंड, पहला तो दूसरा तो हो नहीं सकता, दूसरा इतना बड़ा तो ऑप्शन नहीं, तो पहला ही राइट हो गया, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आगे बढ़ता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन। रेखा निकाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां थ्री ए प्लस टू बी प्लस फोर सी बराबर जीरो का संगामी बिंदु कौन सा होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक सिस्टम दे रखा है जिसमें आप ए बी सी इसके अनुसार ले सकते हो और इसके अनुसार लेते हुए तीन चार समीकरण बनाओ, उन सभी का संगामी बिंदु क्या होगा, क्लियर। अब अगर मान लो कोई संगामी तीन समीकरण निकालना चाहे तो
एबीसी का मान क्या ले सकता है, तो ए का मान जैसे 2 ले लिया, बी का मान 1 ले लिया, तो 6 और 2 8 हो जाएगा ना, तो सी का मान माइनस का 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 0 भी तो लाना है। तो एक समीकरण तैयार हो जाएगी उसके 2x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, ऐसे और भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे तीन समीकरण आ जाएगी। अब तीन समीकरण आ गई तो संगामी बिंदु निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, संगामी बिंदु निकालने के लिए आप लोगों को दो रेखाओं का कटान बिंदु निकाल लो और तीसरे को संतुष्ट कर, दो रेखाओं का कटान बिंदु निकाल लो, वो हो गया काम। दो तीन तरीके हो सकते हैं इसके। एक जो सबसे आसान मुझे दिखाई देता है कि आप संगामी जो भी बिंदु होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्लियर। अब उस जो बिंदु इसमें रखने पर ये प्रतिबंध बना देगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड वेरी शॉर्ट, तो इसमें मैं आप लोगों को कहूंगा कि ए एक्स है और मुझे ए का गुणांक क्या चाहिए, 3, तो बताओ क्या रखने पर बैठ सकता है। तो पहले ही प्रयास इस पर करो ना, तो ये बिंदु जब आप समीकरण में रखते हो 3/4, 1/2 अगर इस समीकरण में रखते हो तो यह आ जाएगा 3/4x प्लस 1/2y और प्लस का c बराबर 0, तो यह आ जाएगा आपके 3x प्लस 2y प्लस 4c बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। एक मेथड क्या है कि ये सिस्टम है ना, समीकरणों का सिस्टम दे रखा है जिसमें ए बी सी का मान हम ऐसे ले सकते हैं, तो मैं अगर पहली समीकरण प्राप्त करना चाहूं तो मुझे ए बी सी का मान इस प्रकार रखना चाहिए कि इस प्रतिबंध को संतुष्ट करे। तो एक तो मैंने लिख ही रखा है, तो मैं ए बराबर तो क्या मान लेता हूं 2, बी बराबर मैं मान लेता हूं 1 और सी बराबर मैं क्या मान लेता हूं माइनस 2। तो इक्वेशन पहली समीकरण क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 2x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, एक समीकरण आ गई, ठीक है। अब दूसरी समीकरण भी निकालेंगे, नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो L1 रेखा है, ये L1 रेखा आ गई, ऐसे ही एक L2 रेखा और आएगी, ऐसे ही और मान रखोगे तो L3 आएगी। ये सब रेखाएं क्या है, संगामी है, क्लियर। संगामी में मैंने एक रेखा एक तो निकाल ही लिया ना। अब एक बात बताओ, जो भी बिंदु होगा, जो भी आंसर होगा, वो इसको भी तो संतुष्ट करेगा, L1 को भी तो संतुष्ट करेगा, क्लियर। तो L1 को 0, 0 तो संतुष्ट कर ही नहीं रहा है, ये तो हो गया आउट। अब देखो, देखिए ये संतुष्ट कर सकता है क्या, 1/2 और 3/4, x की जगह 1/2 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3/4, तो नहीं कर रहा है, यही संतुष्ट करेगा। देख लो, 2 × 3/4 करोगे प्लस 1/2, ये तो आ जाएगा आपके 3/2 और 1/2, तो संतुष्ट कर गए ना, देखो तो फिर से ही आ जाएगा, क्लियर। तो जो 3/4 1/2 से संतुष्ट है। अब कोई चाहे कि मैं तो संतुष्ट नहीं करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए एक और आइडिया है मेरे पास, और वो आइडिया क्या है कि आप एबीसी का मान एक और एक समीकरण और निकाल लो, जैसे L1 का तो आ गया, अब L2 का समीकरण और निकाल लो और दोनों का कटान बिंदु ले लेना, क्योंकि 10 भी उसी जगह कटेगी जहां 2 कट रही है। तो L2 का समीकरण निकालने के लिए एबीसी का एक कॉम्बिनेशन और अगर सोचना चाहो, तो ए का मान अब की बार क्या ले, ए की वैल्यू आप लोग ले लो 0, बी की वैल्यू ले लो आप 2 और सी की वैल्यू ले लो -1, तो एक समीकरण और तैयार हो जाएगी, क्लियर। तो ये दो तीन तरीके हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि एक 0.38 है, इसका x प्लस 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब निकालना, यानी इस बिंदु का इसको मिरर मानते हुए प्रतिबिंब निकालना। ये तो क्वेश्चन हमने बिंदु में ही किए थे, और कर लेते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, बेस्ट अप्रोच क्या होगी, देखो ये तो ये रेखा दे रखी है हमें x प्लस 3y, अगर मैं इसको L1 कहूं तो L1 रेखा दे रखी है x प्लस 3y और बराबर में 7 दे रखा, क्लियर। ये L1 रेखा दे रखी है, क्या कह रहा है, बिंदु एक है 3.8, ये पॉइंट मान लेते हैं 3.8, इस 3.8 बिंदु का मुझे इस रेखा में चाहिए प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब यहां पर आएगा, डेफिनेटली यहां पर आएगा। अगर मैं इस बिंदु को ए नाम दे देता हूं और ये जो रेखा है ये वाली, अगर मैं इस रेखा को L2 नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं L2, तो बताओ L1 और L2 एक दूसरे के लंबवत होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अगर आपको B बिंदु की निर्देशांक चाहिए
तो एक मेथड तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, क्लियर। एक मेथड और सिखा, कहां सिखा चुका हूं, बिंदु में दो तीन सवाल लिए थे मैंने, क्लियर। L1 रेखा ये दे रखी है जिसके सापेक्ष मुझे इस 3-8 का बिंदु 3-8 का प्रतिबिंब निकालना है। मैं क्या करने वाला हूं, L2 रेखा का समीकरण निकाल लेता हूं, क्योंकि L1 और L2 लंबवत होगी, प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत होता है, क्लियर। यानी अगर बिंब और प्रतिबिंब के एक पॉइंट को मिला दिया जाए, जैसे बीच में मिरर है, क्लियर, और अगर मान लो मेरी आंख और बिंब जो प्रतिबिंब है उसकी आंख के पॉइंट को मिला दिया जाए तो एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन उस मिरर के परपेंडिकुलर होगी, क्लियर। अब यहां पर L2 का समीकरण निकालना चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, लेट ए पॉइंट 3-8 से L2 रेखा जाती, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 का समीकरण क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब k का मान कैसे निकालोगे, 3-8 संतुष्ट करेगा, क्लियर। तो 3-8 रखने पर 3-8 से x का मान 3-8 L2 में रखने पर k का मान कितना जाएगा, तो 9 - 8 बराबर में k, तो k का मान आ जाएगा आपके 1। तो L2 रेखा का समीकरण तैयार हो गया भाई, L2 रेखा क्या आ जाएगी आपके 3x - y बराबर में बना जाएगी, क्लियर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आगे कैसे बढ़ना है। प्रॉपर मेथड तो ये कहता है कि आपने L1 का समीकरण दे ही रखा है, आपके पास L2 का समीकरण आ गया है, दोनों का कटान बिंदु निकाल लीजिए। जो कटान बिंदु आएगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु की शर्त से बी तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो थोड़ा विचार करें कि यहां पर भी अगर आंसर मिल जाए तो कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो सोच नहीं सीखे कहीं तो बैठेगा जुगाड़, कि जो भी बिंदु आएगा, जो भी बी बिंदु होगा वो इस समीकरण को तो संतुष्ट करेगा ना। तो देखो, देखिए पहला बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, अगर मान लो यही बी बिंदु है पहला ऑप्शन, तो इसको संतुष्ट करना चाहिए। एक्स की जगह 5 और वाई की जगह -6 रखोगे तो 21 = 1 आएगा, जो नहीं हो सकता है, क्लियर। -1 और -4 रखो तो x की जगह -1 और y की जगह -4 रखोगे तो -3 + 4 = 1 आ रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। 0 - 1 रखो, 0 - 1 भी संतुष्ट कर रहा है। -9 - 4 तो -9 - 4 रखोगे तो -27 और +4 ये नहीं कर रहा है, यानी कम से कम 2 में तो पहुंचे। अगर मान लो एक ही आंसर होता तो कितना काम हल्का हो जाता आपने। तो ये दोनों बिंदु आंसर हो सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को पूरा ही निकालना पड़ेगा, तो L1 और L2 का कटान बिंदु आप लोग निकाल लो। मैंने क्या कहा, नहीं बेटा तो सोचना ही सीखे, तो सोचना सीखे ना, बस ये अप्रोच कहीं ना कहीं काम आएगी। मैथ्स में हर गलती आपको कुछ ना कुछ सीखने का अवसर देती है, इसलिए गलतियां करने से बचना नहीं है। आपके दिमाग में जो भी उपजता है आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर डालिए, फिर बाद में आप लोग अगर मान लो गलती भी होगी तो मिटा दिया, अपनी खेले अपनी मिटा दी, क्लियर। तो स्टूडेंट ये चीजें कुछ ऐसी होती है जो आप लोगों की इस मैथ्स को वेरी स्ट्रांग बनाएगी। पेन रुकना नहीं चाहिए, दिमाग ने जो कहा वो कर डालिए, बस कुछ तो कहा होगा ना, कुछ तो अप्रोच लगाई होगी। अगर मान लो वो गलत होगा तो हम किसी ना किसी तरीके से उस गलती को स्वीकार करते हुए फिर दोबारा गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं L1 L2 का कटान बिंदु निकाल लेता हूँ। L1 व L2 का कटान जो मैं मौखिक ही निकाल रहा हूँ, और L1 और L2 का कटान बिंदु क्या होगा, x = 1 और y = 2, x = 1 और y = क्या आ जाएगा, 1, 2। तो ये बिंदु तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया M, जिसके निर्देशांक क्या आ गए, 1, 2 आ गए। अब तो B के निर्देशांक डायरेक्टली निकाल लो, कैसे, कि B के जो भी निर्देशांक होंगे, ये L2 रेखा है, देखो B के निर्देशांक कैसे आएंगे, क्योंकि ये जो M बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है, क्लियर। तो बताओ 3 में क्या जोड़े, 3 में हम क्या जोड़े कि 2 का भाग देने पर 1 आ जाए, -1, क्योंकि 3 - 1 2 / 2 1 आ जाएगा, तो ये -1 बी ऑप्शन हो गया। अच्छा 8 में मैं और क्या जोड़ूं कि 2 का भाग देने पर 2 आ जाए, तो 8 में से 2 कब आएगा, जब ऊपर 4 होगा भाई, 2 कब आता है, किस संख्या में 2 का भाग देने पर 2 आएगा, 4 में, तो 8 में से क्या घटाओगे, 4 घटाओगे, तो 1 - 4 आ जाएगा। तो ये देखो ना,
हर स्टेप पर रुकने का एक नया पॉइंट होता ही है अपने पास, अब निकाल लो, अब निकाल लो, अब निकाल लो, ऐसे। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अतः एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो बी के निर्देशांक कैसे निकाल लिए मैंने, -1, -4। वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते थे लेकिन आप डायरेक्ट ही निकाल ली, क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, ए बी के लंब समद्विभाजक का समीकरण दे रखा है, ये ए बी रेखा है, क्लियर? ये मान लेते हैं हम ए और इसको मैं मान लेता हूं बी। ए बी एक रेखा हमें दे रखी है और इसके लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक रेखा होगी जिसका समीकरण हमें दे रखा है। अगर मैं इसको L1 कह देता हूं तो ये L1 ही है, और L1 क्या करती है, AB का लंब समद्विभाजन करती है, क्लियर? और B के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3, 5, तो A के निर्देशांक आपसे पूछे जा रहे हैं। कैसे निकालोगे भाई, किस तरीके से निकालोगे A के निर्देशांक, सोचो। देखिए L1 का समीकरण दे रखा है तो AB L1 के लंबवत है, तो AB का समीकरण निकाल लेते ना फटाफटी, क्लियर? तो ये अगर L1 रेखा है, अगर मैं इसको L1 नाम दे देता हूं तो AB रेखा, AB लंबवत है L1 के, तो AB का समीकरण क्या हो जाएगा, AB का डायरेक्ट समीकरण अगर लिखोगे तो 2x - y बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, क्लियर? अब क्योंकि ये वाली जो रेखा है ए बी रेखा, ये 3, 5 से जाती है तो संतुष्ट करेगी, सिंस ए बी 3, 5 से जाती है तो संतुष्ट कराओगे तो एक्स की जगह तो 3 रखोगे तो 6 - 5 बराबर में के, तो के का मान कितना आ गया 1, तो ए बी का समीकरण क्या आ गया आपके, ए बी का समीकरण आ गया आपके 2x - y बराबर में 1 आ गया, क्लियर? आपको ए बिंदु पर पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, तो L1 रेखा AB को दो बराबर टुकड़ों में काटती है, क्लियर? तो अगर मैं L1 और AB का कटान बिंदु निकालता हूं तो वो मध्य बिंदु ही तो होगा, मध्य बिंदु होगा, और जैसे ही मध्य बिंदु आएगा तो फिर A पर हम पहुंच जाएंगे ना, क्लियर? अब मैं निकाल लेता हूं L1 और L2 का, L1 और AB का कटान बिंदु, L1 व AB का कटान बिंदु, तो ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं मुझे पता है, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, कौन इसको संतुष्ट कर रहा है, 1, 1 इसको ही कर रहा है केवल, 1, 1 और क्या कर रहा है, तो 2, 2, 2, 3 कर रहा, बिल्कुल 2, 3 रखोगे ना तो 0, 2 + 6, 8 - 8 0 हो जाएगा, और 4 - 3 तो 2, 3 आ जाएगा, बिंदु क्या आ जाएगा इसका 2, 3 आ जाएगा, क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर अगर ये M बिंदु के निर्देशांक 2, 3 आ गए, M के निर्देशांक क्या आ गए आपके 2, 3, अगर मैं यहां पर थोड़ा और बड़ा बना देता हूं डायग्राम तो ठीक रहेगा, ये तो है आपके ए बी रेखा, इधर तो हो जाएगी आपके A, और ये हो जाएगा आपके B बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 5 दे रखे हैं, और ये रेखा हो जाएगी आपके वो की वही L1, और ये हो जाएगा आपके मध्य बिंदु, क्लियर? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने क्या निकाल लिए हैं, 2, 3 है। अब आप एक बात बताओ कि L1, ये M बिंदु AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है, और अगर मध्य बिंदु है तो फिर A तक कैसे पहुंचोगे, तो बताओ 3 में क्या जोड़कर 2 का भाग दें कि 2 आ जाए, तो 3 में 1 जोड़ो, 4, 4 / 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर? 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 2 का भाग देने पर 3 आ जाए, 3 कब आता है, 6 में 2 का भाग देने पर आता है 3, तो 5 में क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, 1, 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, और कैसे कर सकते थे, तो एक बात बताओ, ए बी का समीकरण तो हमने निकाल ही लिया ना,
अब ये जो ए बिंदु आएगा आएगा तो इसे ए बी रेखा पर ही ना, तो कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा था? 2 1 इसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा था, 4 - 1 3 बराबर नहीं होता 1 के, 1 2 इसको संतुष्ट कर रहा है, एक्स बराबर ए बी का समीकरण आ गया अपने, ये तो संतुष्ट नहीं कर रहा भैया, फिर मैंने बिंदु निकालने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? डेफिनेटली कर ही दिया, देखो पकड़ में आ गया, ठीक रहा। 5 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 3 आएगा, तो 5 में एक ही तो जोड़ोगे भाई, क्रॉस चेक करने का ये फायदा, देखो ट्रिक अपनी अच्छी है, तो ये आंसर होगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ वापस, क्या कह रहा था मैं कह रहा था आपको कि जो भी आंसर होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो पहला ऑप्शन संतुष्ट नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं कर रहा, देख लो x बराबर 1 और y बराबर 2 रख दो आप, ये ऑप्शन क्या है 1 2 है, तो जब 1 2 इसमें रखोगे तो 0 = 1 होगा ही नहीं, 2 2 रखोगे तो भी संतुष्ट नहीं करेगा, 1 1 ही इसको संतुष्ट, यानी आपका काम यही हो जाता। तो जो मैंने कहा था ना कि हर सोच आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बेनिफिट देगी, यहां दे सकते, क्लियर? तो ए बी रेखा का समीकरण निकालने के बाद आप बिंदु संतुष्ट करवा देते, ये 2D के फायदे हैं। 2D में क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के बाद हमें क्लू मिल जाता है, तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, क्लियर? अब यहां पर 6th क्वेश्चन देखिए, बिंदु पथ, जिसमें जोर आता है आपको क्या है, देखो बिंदु पथ, L लंबाई की एक छड़, इस छड़ के सिरे निर्देशी अक्षों पर फिसलते हैं, ये निर्देशी अक्ष में बना लेता हूं, क्लियर? और एक L लंबाई की छड़ है, ये मान लो L लंबाई की छड़ मैंने ले ली, थोड़ी सी बड़ी बना लेते, ये L लंबाई की एक छड़ है जिसके ये एंडिंग पॉइंट जो ना A और B, ये निर्देशी अक्षों पर फिसल सकते हैं, और AB की लंबाई कितनी दे रखी है, L दे रखी है, L लंबाई की छड़ के सिरे निर्देशी अक्षों पर फिसल सकते हैं, फिसलते हैं, छड़ को 1:2 में बांटने वाले बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, तो इस छड़ को 1:2, 1:2 किधर से, तो इधर से x एक्सिस की तरफ से, क्लियर? नॉर्मली आदती ये होती ना, 1:2 किधर से लोगे, तो x एक्सिस को पहले ले लो, y को बाद में, क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर माना कि वो बिंदु P है, और P बिंदु की क्या खास बात है, वो इसको 1:2 में विभाजित करता है, आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा डेफिनेटली, आप लोग इस बात की परवाह नहीं करें। तो मैं इस P बिंदु के निर्देशांक क्या मान लेता हूं, देखो, अच्छा देखो पहले 2-3 बातें हैं, बिंदु पथ वाले क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें माननी पड़ती है, इस बात को आप भूले नहीं, ए बिंदु एक्स एक्स पर है, तो अगर एक्स एक्स पर है तो यहां पर वाई निर्देशांक तो 0 होगा ना, तो मैं इसको A0 मान लेता हूं, और बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0B हो जाएंगे, क्लियर? तो लेट ए बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं A0, और बी बिंदु के निर्देशांक मैं मान लेता हूं 0B, और 1:2 में बांटने वाला पी जिसके निर्देशांक मैं मान लेता हूं H, K, तो इस पी बिंदु के निर्देशांक मैंने क्या मान लिए, H, K मान लिए। अब आपको क्या करना है, ये ए और बी बिंदु जो आपने माने हैं इसके अनुसार भी आपको 1:2 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं जिसमें इधर लिख देता हूं A0, एक लिख देता हूं मैं B0B, क्लियर? और ये पी बिंदु है जो AP की दिशा में 1:1 है, और इधर कितना है, 2:1 है। तो अगर आप P के निर्देशांक निकालोगे तो P के निर्देशांक क्या जाएगा, M1x2 + M2x1 / M1 + M2 / M1y2 + M2y1 / M1 + M2 बराबर में क्या आ जाएगा आपके, H के आ जाएगा, क्लियर? ये H के आ गया अभी। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग ध्यान से देखना कि 2A/3 बराबर क्या दे रखा है, H दे रखा है, तो H का A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 3H/2 आ गया, B/3 बराबर कितना हो जाएगा, K, तो B का मान कितना आ जाएगा, 3 क्या जाएगा, यहां तक तो ठीक है। अब इन AB का क्या करूं भाई,
ये तो इतना करने के बाद भी नहीं बेटा, वापस पढ़ो। एल लंबाई की एक छड़, आपने जो ए बी माना है, ए बी की लंबाई कितनी है, एल है, और आपने जो बिंदु माने उसके अनुसार क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्लियर? सिंस ए बी बराबर क्या दे रखी है, एल दे रखी है, इट मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा आपको, एल दे रखा है। तो होल स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा आपके 9h² / 4 प्लस 9k² बराबर में क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर चार आप गुणा कर देते हो तो 9x², ये आ जाएगा आपके 9x² प्लस 36y² और बराबर में 4l², जो आपके 9 और 36, ये ऑप्शन दे रखा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बिंदुपथ वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस मांगते हैं, और बिंदुपथ वाले क्वेश्चन को आप क्लियर अगर करना चाहते हो तो खुद का दिमाग लगाओ, और मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ इसको समझने का भी आप लोग पूरा प्रयास करो। क्लियर? अब मैं 7th वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। एक रेखा है एल जो इन बिंदुओं से गुजरती है, अन्य रेखा है एम जो बिंदु 1/2 से गुजरती है, एल के लंबवत है, यानी ये जो एम रेखा है इस बिंदु से जाती है और एल के क्या है, लंबवत है। तो इन दोनों रेखाओं द्वारा वाई एक्स के साथ जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। आप जितनी परफेक्शन डायग्राम में दोगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी। क्लियर? तो देखो यहां पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, इधर ये हो गए दोनों एक्स, क्लियर। एल रेखा देखो ये 1-1 मान लेता हूं मैं, ये 1-1 है, ये 2-2 मान लो, ऐसे इधर 1-1 और इधर आप मान लो 2 और नीचे मान लो आप -1। तो 1-1 पॉइंट डेफिनेटली ये x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 हो गया, एक पॉइंट आपके 2-0 हो गया। तो ये L रेखा आ गई आपके, कौन सी रेखा आ गई, L रेखा आ गई। अब उसके बाद देखो M रेखा क्या करती है, 1/2 से गुजरती है, तो 1/2 यहाँ पर होगा, ये 1/2, 0 कौन सा बिंदु है ये, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं 1/2, 0, ये बिंदु इस बिंदु से गुजर रही है, कौन सी रेखा, M रेखा, इस बिंदु से तो गुजरती है और L के लंबवत है, तो फिर M रेखा को आप उस हिसाब से बनाओ कि L के लंबवत जाती हुई आपको दिखे। तो ये यहां से इस प्रकार चली आएगी, क्लियर। ये कौन सी रेखा हो गई आपके, M हो गई। अब स्टूडेंट अगर आपको इसमें करना क्या है कि ये L रेखा और ये M रेखा और वाई एक्स जो एक त्रिभुज बना रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं इसको ए बिंदु, इसको बी बिंदु और अगर इसको सी बिंदु कह दूं, तो अगर आप किसी तरीके से ये ए बी सी बिंदु निकाल लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब कैसे करेंगे ये काम, तो सबसे पहले आप लोग एल का समीकरण निकाल लो और फिर एम का समीकरण निकाल लो। तो एल का समीकरण कैसे निकालोगे, तो एल पर आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ये 1-1 और 2-0। तो एल का समीकरण निकालने पर विचार, एल का समीकरण द्विबिंदु रूप से y-y1 y2-y1 / x2-x1 और x-x1, तो ये आ जाएगा आपके y-1 और बराबर में माइनस एक्स और प्लस का 1। तो अगर हम सबको इधर लाते हैं तो एल रेखा का समीकरण आ जाएगा x प्लस y और बराबर में क्या आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। क्लियर? ये किस रेखा का समीकरण आ गया आपके, एल रेखा का समीकरण। अब स्टूडेंट यहां पर मुझे एम रेखा का समीकरण भी निकालना है, और एम रेखा का समीकरण निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो एल और एम लंबवत है तो लंबवत की शर्त लगाओ ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिंस एम इज परपेंडिकुलर टू एल, एम किसके लंबवत है, एल के, तो एम का समीकरण क्या आ जाएगा, तो एम का समीकरण निकालने के लिए आप डायरेक्ट लिख दो ना, गुणांकों को इंटरचेंज कर दो, तो गुणांक तो 1-1 ही है, बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, किया जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक। अब आपको के का मान निकालना है,
तो ये जो एम रेखा है, ये जो एम रेखा है, ये जो एम रेखा है 1/2, 0 से जा रही है तो संतुष्ट करेगी। क्लियर? सिंस एम 1/2, 0 से जाती है तो संतुष्ट करेगी। तो 1/2 - 0 = k, तो k का मान कितना आ गया आपके 1/2 आ गया। अब ये 1/2 आप रख दो इस समीकरण में, तो ये समीकरण क्या आ जाएगी आपके, एम रेखा का समीकरण आ जाएगा आपके, एम रेखा का समीकरण ये आ जाएगा आपके x - y = 1/2 आ जाएगा। क्लियर? तो एम रेखा का समीकरण भी हमने निकाल लिया और एल रेखा का समीकरण भी हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप अगर ABC तीनों बिंदु निकाल लेते हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ABC तीनों बिंदु निकालने की बात करते हैं, कैसे निकलेंगे। A बिंदु किस एक्स पर है, वाई एक्स पर, और वाई एक्स पर कौन सा निर्देशांक जीरो होता है, एक्स निर्देशांक जीरो। अब आपको वाई तो निकालना है। A बिंदु एल रेखा पर भी तो है, तो एल रेखा के समीकरण में आप वाई की जगह जीरो रख दो तो एक्स का मान कितना जाएगा, सॉरी एक्स की जगह जीरो रख दो तो वाई का मान कितना जाएगा आपके 2 आ जाएगा, 0.2 पॉइंट हो गया। क्लियर? अब मैं बात करता हूं बी पॉइंट की, सी पॉइंट की। सी पॉइंट भी तो वाई एक्स पर है तो जिसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, जीरो होगा। अब वाई निर्देशांक निकालना तो सी पॉइंट एम रेखा पर भी है तो एम का जो समीकरण है उसमें एक्स की जगह जीरो रख दो, एक्स की जगह जीरो रखोगे तो यह आ जाएगा -1/2। क्लियर? अब बी बिंदु, तो बी बिंदु एल और एम दोनों के कटान पर है तो एल और एम को सरल कर लो, तो सरल करोगे ना दोनों को जोड़ दो तो जोड़ोगे तो क्या आएगा 2x = 5/2, तो 5/4 आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेशन तो डायरेक्ट ही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप गुणा भाग तो कर ही लेंगे, ये 5/4 आ जाएगा। क्लियर? 2x = 5/4, ठीक है। अब 5/4 इसमें रख दो तो y का मान आ जाएगा, तो 5/4 उधर जाएगा ना, तो 2 - 5/4, 8 में से 5 जाएगा तो 3/4, ये कितना जाएगा आपके 3/4 आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वैसे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्योंकि समकोण त्रिभुज है, लेकिन जब तीनों ही बिंदु निकाल लिए तो डिटरमिनेंट वाला भी तो कौन सा बुरा है, तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1। क्लियर? अब यहां पर आप लोग इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा 1/2 0 - 2 5/4 - 0 +5/8 - 0। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -5/8। अगर मैं इसको सरल करता हूँ तो -8 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो -20 और -5 तो 25/16 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस में क्षेत्रफल होता ही नहीं है तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं लेकिन देखो कुछ में आपने टाइमिंग, कुछ क्वेश्चन को 1 मिनट में करने का टारगेट होता है तो कुछ क्वेश्चन 2-2.5 मिनट भी लेते हैं तो टाइम तो कंज्यूम करना पड़ता है, फिर इधर का मुनाफा उधर का घाटा बराबर करना पड़ता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्पीड उसी की बहुत अच्छी होगी जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी स्पीड, जितनी कम प्रैक्टिस उतनी ही कम स्पीड। स्पीड प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। अब आप लोग देख लो आपका हिसाब किताब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं ABC और इनसे त्रिभुज बनता है ABC। ABC त्रिभुज ABC के शीर्ष हो और शीर्ष हो, माध्यिका AD अगर BE के लंबवत होगी तो शर्त निकालो। एक काम करो डायग्राम बना लो, फटाफटी काम हो जाएगा। ये A बिंदु जिसके निर्देशांक 0, B दे रखे, ये B बिंदु
जिसके निर्देशांक आपको 0 0 दे रखे, और ये सी बिंदु जिसके निर्देशांक आपको ए 0 दे रखे। क्या कह रहा है? माध्यिका एडी, तो एडी माध्यिका ये हो जाएगी आपकी। ध्यान रहे विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, यूं नहीं कि बीचों बीच का बिंदु निकाल लो, कई बार गड़बड़ कर त्रिभुज बहुत बढ़िया बना लेते हैं और बहुत बढ़िया क्या बनता है, समबाहु भी बनता है हमेशा ही, आदत में ये होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना। एडी माध्यिका हो गई, एक बीई माध्यिका, ये बीई माध्यिका हो गई, ये दोनों आपस में क्या है, लंबवत है, तो शर्त मुझे निकालनी है। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोगों को क्या करना है, हम सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा आपके 2b स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर, और यह आ जाएगा आपके अंडर रूट 2b और बराबर में a, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है a बराबर अंडर रूट 2b। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नाइन्थ वाला। चार रेखाएं दे रखी है, lx प्लस my प्लस n, और lx प्लस my प्लस n डैश, ये दोनों तो मुझे समानांतरी दिख रही है, और mx प्लस ly प्लस n और mx प्लस ny प्लस n डैश भुजा वाले समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बीच में कोण मुझे निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए आप लोगों को डायग्राम बना लेना चाहिए। कैसे? देखो समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये अगर समांतर चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज बना लीजिए, ये रेखा L1 मान लेता हूं पहली, और L1 रेखा का समीकरण दे रखा आपको, Lx प्लस my प्लस n बराबर 0, और इसके समानांतर रेखा L2, Lx प्लस my प्लस n डैश बराबर 0, फिर L3 रेखा, L3 ये हो जाएगी आपके mx प्लस ly प्लस n बराबर 0, और L4 ये क्या हो जाएगी आपके mx प्लस ly और प्लस में n डैश, ly और प्लस में n डैश बराबर में 0। क्लियर? अब स्टूडेंट ये चारों का डायग्राम मैंने बना दिया है, चतुर्भुज है ये। अच्छा देखो चतुर्भुज किस प्रकार का है, आप लोग इस बात का पता लगाओ, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये भुजाएं समानांतर है, तो समानांतर भुजाएं मैंने बना दी, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। क्लियर? अब यहां पर अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये कितनी आएगी, तो ये दूरी मैं निकालना चाहता हूं, तो ये आ जाएगा आपके मोड ऑफ, इधर लिख देता हूं, मोड ऑफ एन डैश माइनस एन अपॉन में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगी इन दोनों भुजाओं के बीच। और अगर आप इनके बीच की दूरी निकालना चाहते हो, इनके बीच की दूरी, तो ये कितनी आएगी, तो ये भी आपके इतनी आ रही है, एन डैश माइनस एन अपॉन में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ रही है। एक बात बताओ, भुजाएं समानांतर है, ये भुजा समांतर है, क्लियर, और इनके बीच में दूरियां भी समान है, यानी ये दूरी और ये दूरी समान है, तो ये कब हो सकता है, ये केवल वर्ग में ही हो सकता है, ये किस में क्या हो सकता है, वर्ग में। अच्छा सम चतुर्भुज में भी हो सकता है क्या, ये सम चतुर्भुज ले लो। क्लियर? अगर हम सम चतुर्भुज बनाते हैं तो डेफिनेटली सम चतुर्भुज में भी इन दोनों भुजाओं के बीच में दूरी बराबरी होगी, और इनके बीच में दूरी भी क्या होगी, बराबरी होगी। हमें क्या करना है इसमें, क्वेश्चन क्या था कि ये चार लाइनें दे रखी, चारों भुजाएं दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बीच में कोण निकालना था, तो या तो ये वर्ग है या फिर ये सम चतुर्भुज है, और दोनों के विकर्ण कितने डिग्री पर कटते हैं, 90 डिग्री पर कटते हैं, कितने डिग्री पर कटते हैं, 90 डिग्री पर कटते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। एक तरीका इसमें ये भी ले सकते हैं कि आप एल और एम लेट कर सकते हैं, और एल और एम इस प्रकार लेट करना, तीनों एल एम एन और एन डैश ये लेट कर लेना, 1 और -1 तो मान लेना एल और एम को, और एन डैश बराबर एन बराबर 2 मान लेना, और एन डैश बराबर 3 मान लेना, आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, सोचने की सुविधा रहेगी बस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ये कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के युग्म समीकरण दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समीकरण तो ये है, और एक युग्म यानी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा तो इसमें, और सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा इसमें, अगर आप इसके गुणनखंड करोगे ना, ये हो जाएगा x-3 और x-2 बराबर 0,
यानी ये आ जाएगा आपके x इक्वल्स टू टू और x इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा। दो समीकरण निकाल लिए, एक इसके गुणनखंड करोगे तो y माइनस फाइव और y माइनस वन बराबर जीरो, तो y का एक मान तो आ जाएगा एक और y का दूसरा मान आ जाएगा पाँच। क्लियर? आपको क्या निकालना है, विकर्ण के समीकरण निकालने हैं। कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हो, ये तो थोड़ी देर के लिए हम बना लेते हैं इसके x, x बराबर दो, तो x बराबर दो रेखा ये हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले आता हूँ क्योंकि डायग्राम आगे ज़्यादा बनेगा, उस तरफ ज़्यादा बनेगा। ये दोनों x हो गए इसके। अब ये x बराबर दो लाइन बना रहा हूँ, x इक्वल्स टू टू, ये हो जाएगी आपके x इक्वल्स टू टू। फिर ये हो जाएगी आपके x इक्वल्स टू थ्री। फिर y इक्वल्स टू वन, ये लाइन हो जाएगी आपके y इक्वल्स टू वन। ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी आपके y इक्वल्स टू वन, और ये वाली लाइन हो जाएगी आपके y इक्वल्स टू फाइव। आप इन सब कटान बिंदुओं को लिख दो एक बार। तो अगर इन सभी कटान बिंदुओं को लिखते हो तो ये बिंदु तो क्या हो जाएगा आपके दो एक हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा आपके तो तीन एक हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा तीन पाँच हो जाएगा, क्योंकि x बराबर तीन और y बराबर पाँच कट रही है ना। इस बिंदु पर कौन सी कट रही है, x बराबर दो और y बराबर पाँच, तो ये दो पाँच हो जाएगा, बिंदु सारे आ गए। अब आपको एक तो ये विकर्ण निकालना है और एक ये विकर्ण निकालना है, तो द्विबिंदु रूप से आप लोग निकालेंगे। क्लियर? मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कैसे, ये द्विबिंदु रूप से निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बिंदु ही आ गए तो फिर क्या है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संतुष्ट करवा लो यार, कि पहले देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दो एक को संतुष्ट करता है। भाई कौन सी समीकरण, एक विकर्ण दो एक को और तीन पाँच को संतुष्ट करेगा ना, तो दो एक को संतुष्ट कौन कर रहा है, x बराबर दो और y बराबर एक रखोगे तो ये पहला वाला पहली वाली समीकरण तो नहीं कर रही, हो सकता है कि दूसरी कर दे। तो x बराबर दो और y बराबर एक रखोगे तो संतुष्ट कर रहा है, देखो यानी दो एक बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो फिर यही समीकरण तीन पाँच से भी संतुष्ट होनी चाहिए। तो तीन पाँच से संतुष्ट करोगे तो x बराबर तीन रखोगे और y बराबर पाँच रखोगे तो ये डेफिनेटली संतुष्ट होगी, ये बात बैठ गई। यानी दो एक और तीन पाँच को y बराबर फोर एक्स माइनस सेवन संतुष्ट कर रहा है। अब देखो कि तीन एक अगर मान लो यही ऑप्शन सही है तो फिर बाकी दो बिंदु इस पहले ऑप्शन को संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट करेंगे तो x बराबर तीन और y बराबर एक रख दो, x बराबर तीन और y बराबर एक रखोगे संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत क्यों हो गया, कि ये x प्लस फोर वाई इक्वल में जो 13 आ रहा ना, ये मामला नहीं बैठने दे रहा है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बैठेगा, तो जिसमें y बराबर फोर एक्स माइनस सेवन तो होना ही चाहिए, तो y बराबर फोर एक्स माइनस सेवन एक तो इसमें है और एक इसमें है, और किसी में नहीं है y बराबर फोर एक्स माइनस सेवन। तो मैं डायरेक्ट सी को ही चेक कर लेता हूँ ना, कि भाई जब y बराबर फोर एक्स माइनस वन तो ये इसमें आंसर ही, तो ये वाला ऑप्शन चेक कर लो बाकी की इन दोनों बिंदु के लिए। तो तीन और एक, तीन एक रखोगे तो x बराबर तीन और y बराबर एक तेरह आ रहा है, दो पाँच भी करना चाहिए, फिर x बराबर दो आठ और पाँच तेरह आ जाएगा, ये ऑप्शन आपके हो जाएगा। बाकी प्रॉपर मेथड मैंने आपको बताई दिया। क्लियर? तो सी ऑप्शन की समीकरणें युग्म रूप में बिंदुओं को संतुष्ट करती है, युग्म रूप में बिंदुओं को संतुष्ट करती है। क्लियर? तो अब स्टूडेंट यहां पर मुझे लगता है कि लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, आप लोग ऊब जाते हो, ऐसा ही है ना, क्लास तो मेरी लंबी होती रहती है क्योंकि मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखो आधे घंटे में तो कुछ नहीं होता, आधे घंटे में तो नाश्ता ही नहीं होता आपने, है ना, ऐसे तो बरसों तक क्लास चलती रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, अभी नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल और लूँगा मैं, अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, और सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप लोग इसके सारे फॉर्मूले याद कर लेना। क्लियर? फॉर्मूले याद कर लेना, और अगर लिखने की भी आदत है आपकी
अगर भूल चूक में आप लोग लिख लेते हो तो फिर उस भूल चूक वाली आदत को कंटिन्यू रखें। क्लियर? तो क्वेश्चन इसके सी तक की एक्सरसाइज देर की है, लेकिन देखो सी और डी तक की एक्सरसाइज आती है तो आप लोग घबरा जाते हो कि अच्छा अब क्या होगा। अरे भाई, जिसने ए और बी एक्सरसाइज कर ली हो तो सी को तो ऐसे ही निकाल लेगा, यूं निकालेंगे, कोई क्वेश्चन नया थोड़ी, नई अप्रोच का क्वेश्चन जरूर उसमें से देख लिया करो। मोर प्रैक्टिस मोर स्पीड, क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना। अब आपको क्या करना चाहिए खुद डिसाइड करें। तो स्टूडेंट, मेरी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे और उसके बाद इसके जितने भी सोल्ड अनसोल्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा। थैंक यू।